गोंडा पुलिस ने आज एक ऐसे नए लड़कों के गैंग का खुलासा किया जो अपनी प्रेमिकाओं की फरमाइश को पूरा करने के लिए लूट की घटना को अंजाम देते थे। गोंडा एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार पांचों लुटेरों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट और उनके शौक पूरा करने के लिए मोबाइल, चेन, पर्स की लूट ये गैंग बनाकर करते थे। इन लड़कों की उम्र 18 से 22 वर्ष की है और ये गोंडा के अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। जनपद गोंडा में विगत कुछ दिनों में मोबाइल छिनैती की, मोबाइल लूट की कुछ घटनाएं हुई थी। इसी पे मुकदमा पंजीकृत कराकर लूट का, इसमें एसओजी और थाना की टीम लगाई गई थी। गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें आज गैंग्स पकड़े गए हैं और अलग अलग गैंग में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में 9 युवक टाइप के लड़के हैं जो कि मोबाइल छुनैती का काम करते थे। ये लोग मोटरसाइकिल पे चलते थे और कोई भी महिला या पुरुष या बच्चे अगर मोबाइल से बात करते हुए जा रहे हैं तो झपट्टा मार के मोबाइल को छीन लेते थे और लेके फरार हो जाते थे। गोंडा जिले में पिछले कई हफ्तों में स्नैचिंग और लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसको देखते हुए पुलिस और एसओजी टीम ने कार्रवाई की और 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इस गैंग का खुलासा तब हुआ जब गोंडा के कर्नलगंज में बीते दिन एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके खुलासे के लिए गोंडा एसपी ने 3 टीमों का गठन किया। जब जांच की गई तो कई घटनाएं सामने आई और साथ ही सामने निकल कर आया 5 लुटेरों का नाम। पुलिस और एसओजी टीम ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और बताया कि अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइशों को पूरा करने के लिए ये स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे और लूटे हुए सामान को बेचकर अपनी गर्लफ्रेंड्स पर पैसा खर्च करते थे। मोबाइल को बेच के उससे पैसा अर्न करते थे और इस पैसा को, जो इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनकी महिला मित्र, गर्लफ्रेंड वगैरह इन्होंने बना रखी थी जिसके ऊपर ये खर्च किया करते थे। तो एक तरीके से अपने शौक और अपने जो महिला मित्र है उनके शौकों को पूरा करने के लिए ये लोग घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। और इसमें पकड़े गए 5 के 5 जो ये नौजवान हैं, ये सभी 18 से लेके 22-23 की उम्र के हैं। इसमें कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और अपने शौक पूरा करने के लिए इन्होंने ये कार्यकृत्य किया गया है। लेकिन गोंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं, उसके अलावा मोटरसाइकिल जो लोग प्रयोग करते थे लूट के लिए उसको बरामद किया गया है, कुछ कैश भी मिला हुआ है और इसके अन्य भी साथी जो है उनके बारे में पता चल रहा है। उन सभी को राउंड अप करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि जनपद गोंडा में कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी रीजन के लिए, अगर मोबाइल छिनैती या कोई भी लूट का कार्य करता है, उन सबको पकड़ के कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर इत्यादि की धारा भी इन पे लगाई जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है।